हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन पाया रेसिपी, बहुत इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप इंस्टा पर हैं तो वहाँ पर मेरे पेज को फॉलो करें, YouTube बायो में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो पाया है इस पतीले में बनाने वाली हूँ, क्योंकि पाए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले पाए के लिए यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पाए को अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 तेजपाल के पत्ते और यहाँ पे 3 से 4 कश्मीरी लाल वाली मिर्च मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जैसे लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत सौंफ, साबुत धनिया और 2 टुकड़े दालचीनी के। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऐड कर दूँगी काट कर। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 गिलास पानी का यूज़ किया है और हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया है, पर मैं उसका क्लिप लेना भूल गई। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए हाई टू लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। और ये मटन पाए हैं तो बहुत जल्दी से गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और मैं तो वैसे भी खुले बर्तन में पका रही हूँ, आप चाहें तो इसमें सीटी भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ जब तक पाया पक रहा है, हम यहाँ पे उसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 300 ग्राम दही। दही के साथ मैं यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी और भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और नमक। और इसको हम दही में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 चम्मच भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी इसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी और पानी को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, साइड रख देंगे उसको। और यहाँ पर हम बना लेंगे पाए के लिए शोरबा। और मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज और उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया उनका। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट जो है वो बचा लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर प्याज के पेस्ट को हल्का पिंकिश होने तक हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे प्याज को। इसमें हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था उसको ऐड कर देंगे, मिक्स कर लिया है थोड़ा सा मैंने मसाले को एक बार। और यहाँ पर हमने बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना है, कुछ भी मसाला हमें वेस्ट नहीं करना है। सारा क्लीन करके बर्तन मसाला जो है हम ऐड कर देंगे प्याज में, मिक्स कर लेंगे अच्छे से प्याज के साथ। और इसको ऑयल पर आने तक भून लेंगे मसाले को अच्छे से। बहुत बढ़िया मसाला भून लेना है हमें, जितना अच्छा आप भून सकते हैं उतना अच्छा भूनना है मसाले को। यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है 1 कप के करीब। पानी और मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बार हम इसको पानी के साथ भी मसाले को भून लेंगे अच्छे से। और देख सकते हैं यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है, ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे से ऑयल आ चुका है। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पाया यहाँ पर अच्छे से गल चुका है, खड़े मसालों को हमने निकाल दिया है और पाए का पानी भी हमने अलग कर दिया है। और मसाले में हमने पाए को ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट तक मसाले में हम चलाते हुए भून लेंगे पाए को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए को मसाले के साथ हमने अच्छे से भून लिया है। हमने पानी को पहले से एक बार अच्छे से छान लिया था, फिर से हम एक बार एक छन्नी का यूज़ कर रहे हैं पानी को छानने के लिए। पाए की यखनी का पानी ऐड कर देंगे, ये वही पानी है जिसमें हमने पाए को गलाया था खड़े मसालों के साथ। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पाए को और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा खौल आने तक इसको हम
पका लेंगे। और यहाँ पर पैन में अच्छे से घोल आ चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे मैदे और पानी का घोल। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच मैदा का यूज़ किया है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी का यूज़ किया है। अच्छा खासा एक घोल बनाकर हम इसमें ऐड करेंगे। इससे पाए में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसको ऐड करने से आपका पाए का शोरबा ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा मोटा बनेगा। बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ आपका पाए का शोरबा तैयार होगा। और इसमें हल्का हल्का सा एक और खोल ले लेंगे और इसको ढक करके हम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पाए से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाया बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। शोरबे का टेक्सचर देख सकते हैं आप, कितना सही टेक्सचर आया है, ना मोटा है ना पतला है। बहुत अच्छा जायका आता है इस तरह से पाया बनाने से। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर पाया बनकर के बिल्कुल रेडी है। इसको हम 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 से 10 मिनट पाए को रख के छोड़ दिया था हमने। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है पाए पे, देख सकते हैं आप। चलिए अब पाए को हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मैंने यहाँ पर मटन के पाए का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पर बीफ के पाए का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा हरे धनिए के साथ पाए को गार्निश कर देंगे और कुछ बारीक अदरक के टुकड़ों को यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।